गाइस, मेरा नाम है सूरज भान एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना पैन कार्ड को कहीं अर्जेंट में दिखाना है या फिर किसी ने मांगा है, किसी को आप शेयर करना चाहते हैं अपने पैन कार्ड को, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी इजीली उसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पैन कार्ड को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे साइन इन और क्रिएट अकाउंट का। अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार यूज कर रहे हैं या फिर अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ अपने डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है और उसके बाद 6 डिजिट का कोई भी एक सिक्योरिटी पिन आपको सेट कर लेना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप डालेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है या फिर सिक्योरिटी पिन जो भी आपने सेट किया था और उसके बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर अकाउंट में हम सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पैन कार्ड, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पैन कार्ड निकालना है या डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पैन कार्ड। तो यहाँ पे जैसे ही आप पैन लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड पे जो भी डिटेल्स रहेंगी जैसे कि नाम और डेट ऑफ बर्थ वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर भरना है और यहाँ पे पैन कार्ड पे आपकी क्या नाम लिखा है वो नाम यहाँ पे आपको डालना है। पैन कार्ड नंबर और अपना नाम फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट डॉक्यूमेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पेंडिंग वेरिफिकेशन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आपकी डिटेल को फेच किया जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड जो है वो सर्च हो चुका है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा और नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ है, वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। ये बिल्कुल वैलिड पैन कार्ड है, इसे जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से अपने पैन कार्ड को डिजी लॉकर की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।